السلام عليكم ايفرس كي ار تشاري تيك توك هي ديت ني فيديو کے ساتھ میں حاضر ہوں کیمسٹری فار آج بھائی اس ایز یو نو دی پی ہیو سٹارٹڈ سیکنڈ ایئر کیمسٹری ایز ویل ایز فرسٹ ایئر کیمسٹری ان دی سیکنڈ ایئر کیمسٹری آئی ہیو ڈسکس آل دی فنکشنل گروپس اینڈ دی نامنکلیچر الکین الکین اینڈ الکائن اوکے اینڈ دی جنرل میتھڈز اینڈ دی جنرل میکانزم الیکٹروفیلک سبسٹیٹیوشن ری ایکشن الیکٹروفیلک ایڈیشن ری ایکشن نیوکلیوفیلک سبسٹیٹیوشن ری ایکشن ये सब हमने डिस्कस किए हैं. इलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस किया है. जनरल मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी हमने डिस्कस किया है. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी मेरे वीडियोस में मौजूद है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं. आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, कि किस तरह एल्केन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, किन किन चीज से एल्केन जो हाइड्रोकार्बन है हमारे पास सिंगल है बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है उनको हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहला मेथड चलिए पढ़ते हैं और वो हमारे पास क्या है. पहला मेथड हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन. जस्ट लाइक आपको पता है कि हाइड्रोजिनेशन पे कंप्लीट मैं मैकेनिज्म आपके साथ शेयर कर चुका हूं. हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और जिनेशन का मतलब है एडिशन. जहां पर डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होंगे, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होंगे, उनके दरमियान जो डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उनके साथ हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे. अगर कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन ऐड करेंगे फिर उसे हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कहते हैं. अगर कैटलिस्ट नहीं होगा तो फिर सिर्फ हाइड्रोजिनेशन होगा. इस पर कम्प्लीट वीडियो मेरी शेयर हो चुकी है, उसमें कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन का मैकेनिज्म मैंने अपलोड किया है, आप वो वीडियो देख लेंगे तो फिर ये मैकेनिज्म आप आसानी के साथ कर सकते हैं. तो दोबारा मैं मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा क्योंकि एक मरतबा मैंने मैकेनिज्म शेयर किया है. तो अल्कीन से हम किस तरह अल्केन बना सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन से. तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ मैं हाइड्रोजन ऐड करना चाहता हूं. अगर मैं कॉपर यूज करूंगा तो 200 से 300, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रिएक्शन होगा. व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू एनी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच इज टू बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, द पाई बॉन्ड इज मच वीकर एज कंपेयर्ड टू सिग्मा बॉन्ड, सो द पाई बॉन्ड विल बी ब्रोकन एंड द टू हाइड्रोजन विल बी एडेड टू टू कार्बन एटम. One hydrogen will be added to this carbon and the second will be added to this carbon and the net product alkane will be formed. So ethene has been hydrogenated and ethane has been formed and the hydrogen is added in the presence of catalyst. Therefore, that is called as catalytic hydrogenation. Again, if I write some other catalyst, like platinum, I want to write palladium, rhodium, then the catalytic activity of platinum is much stronger as compared to copper, so the reaction will be completed at room temperature. Again, that is called as hydrogenation. Both the hydrogen will be added to both carbon, the pi bond will be broken, the sigma bond will remain the same. So in this reaction we have prepared alkane from alkene, that is ethene. Now the ethene has been converted into ethane. So that is the first method which is called as hydrogenation. The addition of hydrogen in the presence of catalyst is called as catalytic hydrogenation. The addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon is called as hydrogenation reaction. Due to this hydrogenation reaction, the unsaturated hydrocarbon has been converted into saturated hydrocarbon. The double bond hydrocarbon has been converted into single bond hydrocarbon. Single bond are saturated and the double bond are unsaturated. Unsaturated means जहाँ पर addition reaction possible है. Saturated का मतलब है जहाँ पर addition reaction नहीं होंगे. तो alkene को हमने use किया है for the preparation of alkane. अब अल्काइन को हम यूज करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. ओके, तो नाउ आई विल टेक अल्काइन. अल्काइन में जिस तरह आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड,
इसमें दो पाई बांड है और एक सिग्मा बांड है। हाइड्रोजन अगर हम ऐड करेंगे यहां पर कैटलिस्ट होगा, यहां पर हीट देंगे तो एक पाई बांड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये हमारे पास है इथाइन ट्रिपल बांड, y in e will be used in the last, so one pi bond will be broken and still one pi bond has been remaining. Here part ethene will be formed. Now ethene को अगेन हम कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन के अल्केन के प्रिपरेशन के लिए। So again मैंने ethene ले लिया क्योंकि still इसमें pi bond remaining है। जब तक pi bond complete breaking नहीं होगा reaction चलता जाएगा, addition reaction चलता जाएगा, hydrogenation reaction चलता जाएगा, again hydrogen will be used, some catalyst in the form of copper, in the form of nickel, in the form of palladium, rhodium, palladium, platinum will be used and heat will be given, the pi bond will be broken, one hydrogen adds here, the other adds here. So from alkyne we have prepared alkane. That is the meaning of hydrogenation. कि hydrogenation में हम double bond और triple bond hydrocarbon के साथ hydrogen add करेंगे और pi bond break हो जाएगा. After breaking a pi bond, the sigma bond will remaining and the alkene or alkyne will be converted into alkane. So that is the first method for the preparation of alkane family members. सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं ये है अल्काइल हैलाइड, इसका रिडक्शन हम कर लेते हैं, हाइड्रोजन ऐड करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में हाइड्रोजन मैंने लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है nascent hydrogen has been used, from where this nascent hydrogen will come, when zinc reacts with hydrochloric acid so the nascent hydrogen will be produced, so one hydrogen combine कर लो alkyl group के साथ और एक यहां पर कंबाइन कर लो तो अल्केन बन जाएगा आर एच प्लस एच एक्स, दैट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड दैट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन। अब इस आर की जगह में ये लिख सकता हूं, इस एक्स की जगह में ब्रोमीन लिख सकता हूं, नेसेंट हाइड्रोजन में उठा सकता हूं से जिंक और HCl से मैं ले सकता हूं, अल्केन विल बी प्रोड्यूस, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तीसरे तरीके से मैं करना चाहता हूं, दिस इज अनदर अल्काइल हैलाइड, nascent hydrogen has been produced with the help of zinc and HCl, when they react with each other so nascent hydrogen, atomic hydrogen will be generated, the hydrogen at the time of its generation is called as atomic hydrogen or nascent hydrogen, it is very reactive because it is unstable so it combines with bromine and the other combines with methylene group, so again alkane has been formed. That is the method by which we can prepare alkane from alkyl halide. Reduction का मतलब alkyl halide के साथ जब भी reduction का जिक्र आएगा, तो reduction का मतलब क्या है कि nascent hydrogen हमने use करना है। Nascent hydrogen जब alkyl halide के साथ reaction करेगा, उसे हम कहते हैं reduction। इससे पहले hydrogenation था, लेकिन hydrogenation में क्या था? Hydrogenation में हमने molecular hydrogen add किया था, और यहाँ पर atomic hydrogen add हुआ है, और वहाँ पर double bond hydrocarbon के साथ add हुआ है। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के साथ हुआ है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड रिडक्शन।
एन एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन स्टडीज हाइड्रोजनेशन दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजनेशन एंड रिडक्शन. नाउ हाउ दिस एटॉमिक हाइड्रोजन हैज बीन जनरेटेड व्हिच कंबाइंस विद अल्काइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट्स इनटू अल्केन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट जिंक. ओके एंड दिस इज HCl. जिंक क्या है? जिंक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है. जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकता है वो है रिड्यूसिंग एजेंट. इनके दरमियान ये बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. हाइड्रोजन जो है जिंक वाले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो हमारे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये दो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएंगे और जिंक जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक क्लोराइड बनाएगा. तो इस तरीके से एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाएगा. और ये ही एटॉमिक हाइड्रोजन किस चीज पे अटैक करेगा? अल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा और अल्केन सीरीज बन जाएगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, दैट व्हेन देयर इज एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, अनस्टेबल हाइड्रोजन हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन, दैट व्हेन एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन विद द अल्काइल हैलाइड. So you can write thousands of reaction for making alkene from alkyl halide. You can take any alkyl halide. अब जिस तरह मैंने आपको बताया था alkene में क्या है, alkene में अब कौन से reaction होंगे? Reaction में जाने से पहले अब हमारा जो topic है उसमें मैं आपके साथ discuss करूंगा क्या स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन. स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन अगर मैं लिखता हूं और मैं मीथेन लिखता हूं विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, तो भी आप देखें कार्बन को हम देखते हैं कि कार्बन के साथ कोई लोन पेयर है या नहीं. तो एक फार्मूला है A इज इक्वल टू X प्लस E. A का मतलब है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, E का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टार एंड E मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके साथ कार्बन के साथ टोटल चार एटम्स अटैच हैं और लोन पेयर जीरो है, तो इससे फोर आएगा. तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका स्ट्रक्चर आप किस तरह ड्रा कर सकते हैं? कार्बन यहां पर लेंगे, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो जाएगा, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो जाएगा और एक sp3 हो जाएगा और एक sp3 हो जाएगा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके हाइड्रोजन का जो एटम है अब वो ओवरलैपिंग करेगा, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है. अब हर एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन अटैच है, तो चार हाइड्रोजन का इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगा बॉन्ड, इस ऑर्बिटल. तो यहाँ पर कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है? sp3 इस ओवरलैपिंग, sp3 इस, तो इसे इस तरह ये बॉन्ड बनेगा. तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन. अल्केन चूंकि सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है तो अल्केन में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा और प्योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा और 109.5 डिग्री एंगल होगा. दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन. अब इसमें हम बहुत सारे मॉलिक्यूल ड्रा कर सकते हैं. सपोज मैं ये मॉलिक्यूल ड्रा करता हूं तो इसमें देखिए हर एक कार्बन चार एटम्स के साथ अटैच है, 1 2 3 4. ये कार्बन चार के साथ अटैच है, 1 2 3 4. तो इस कार्बन में भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. अगर आप ईथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहते हैं तो सबसे आसान है क्योंकि उसमें दो कार्बन है, तो हर एक कार्बन जो है क्या करेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा. तो ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है. अब 1 2 3 और 4 ये होगा sp3, ये हो गया sp3, ये हो गया sp3. तीन हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होंगे, 1 2 3. इस ऑर्बिटल ये है sp3 एक कार्बन का, ये दूसरे कार्बन का sp3 है,
एक दो तीन, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है, हाइड्रोजन 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 s s s, तो ये इथीन का, सॉरी इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो हल्केन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन वी कैन ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एनी हल्केन फैमिली मेंबर्स, एनी होमोलॉगस सीरीज ऑफ हल्केन। ओके, तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ दो चीजें शेयर कर दी है, एक है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन जिसमें दो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं और एक है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो इसके बाद आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और स्ट्रक्चर भी विद इन सेकंड ड्रा कर सकते हैं। चैनल को लाइक दे, शेयर कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।